शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बैठक बुलाई। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा के नए मंत्रियों की बैठक बुलाई, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर होगी ये बैठक। तो राज्यसभा का सत्र खत्म होने के बाद सभी मंत्री जाएंगे जेपी नड्डा से मिलने, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बैठक लेंगे पार्टी अध्यक्ष। तो आपको बता दें, यूपी चुनाव को लेकर भाजपा एक्शन मोड में है और इससे पहले बैठक में यह तय हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जो सांसद हैं अपने अपने क्षेत्र में जन यात्रा आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। और सीधा अपडेट के लिए रुख करेंगे दिल्ली से, सहयोगी अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर अहम बैठक बुलाई है जेपी नड्डा ने, क्या अपडेट? जी देखिए, अभी अगर बात करें तो 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा निकलनी है, जिसमें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों को अपने अपने लोकसभा क्षेत्र, इसके साथ साथ 3 अन्य लोकसभा क्षेत्रों में जाना है और वहां पे जनता के बीच में संवाद करना है, जनता के साथ बातचीत करनी है और लोगों को वहां पे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जितने भी नए मंत्री बने हैं वो पहले जनता के बीच में जाएं, बाद में अपने घर जाएं। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि 15 अगस्त तक सभी मंत्रियों को उन्होंने दिल्ली में रहने के लिए कहा है, 15 अगस्त के बाद अपने क्षेत्र में जाने के लिए कहा है। तो अभी जितने भी नए मंत्री बने हैं वो अपने अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं, 15 अगस्त तक वो दिल्ली में रहेंगे और 16 अगस्त से उनकी जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके तहत वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और 3 अन्य लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। 22 राज्यों में ये तमाम सारे जो मंत्री हैं वो अलग अलग जगह पर जाकर जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। इसी को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कई मंत्रियों को अपने पास बुलाया, जिनके साथ वो बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इन जो जन आशीर्वाद यात्रा है इसको लेकर आगे जाना है। इनमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से मंत्री हैं, कानून राज्य मंत्री केंद्र में एसपी सिंह बघेल, उनको बुलाया गया। इसके अलावा अगर बात करें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनको भी बुलाया गया है और जो सहकारिता गृह मंत्री हैं बीएल वर्मा, उनको भी बुलाया गया आज की बैठक में। इनको बताया जाएगा किस तरीके से आगे जन आशीर्वाद यात्रा करनी है, कैसे वहां पे जनता के साथ बातचीत करनी है और किस तरीके से केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम है उनको जनता को बताना है। तो ये तमाम सारा कार्यक्रम रूट मैप तैयार किया गया पार्टी की तरफ से, जिसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ओर से तमाम नए मंत्रियों को संदेश देंगे।